हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे आटे के गुलाब जामुन। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए ये कितना स्पंजी बना है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। देखिए शुगर सिरप किस तरह अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो आइए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 2 बड़े कप शुगर लिया है। और 2.5 कप पानी डालेंगे। थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने 2 से 3 इलायची यहाँ पे डाला है। हमें इसे तब तक बॉईल करना है जब तक कि चीनी इसमें घुल ना जाए। गुलाब जामुन के लिए हमें शुगर सिरप सिर्फ चीनी अच्छे से घुल जाना चाहिए और इसमें कोई भी तार वाली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। आटे का गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें सेम मेजरमेंट में 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मिल्क पाउडर लेना है। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसमें हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच देसी घी। इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़े थोड़े दूध डालकर इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और एक डो बना लेना है। इसे मिक्स करने के लिए मैंने 1/2 ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा दूध इस्तेमाल किया था। डो आपका बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही स्मूथ और थोड़ा सा गूई जैसा होना चाहिए। डो बन जाने के बाद आप इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे ये थोड़ा सा सॉलिड होने लगा है, तब आप हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर इसे छोटा छोटा बॉल बना लें। देखिए ये हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था 5 से 7 मिनट, इसलिए ये बिल्कुल चिपचिपा भी नहीं है और हम आसानी से इससे बॉल बना सकते हैं। आप अपने मनचाहे शेप इसे दे सकते हैं, बट मुझे ये राउंड शेप में ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने राउंड शेप किया है। सारा बॉल्स हमारा बनके तैयार हो गया है। इन बॉल्स को हम जो फ्राई करेंगे वो ऑयल बहुत ही लो टेम्परेचर में होना चाहिए, इसका फ्लेम पूरा लो रखें। अगर हम हाई टेम्परेचर में करते हैं तो बाहर से ये कुक हो जाएगा एंड अंदर से बिल्कुल रॉ रहेगा। आप चाहें तो चेक करने के लिए एक छोटा बॉल पहले इसमें डालें, अगर वो क्रैक नहीं होता है, ऑयल के टेम्परेचर बिल्कुल सही है, तो आप फिर बाकी बॉल्स इसमें डाल सकते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, फ्राई करते वक्त हमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ पे इन सारे बॉल्स को डालते हैं। अब देखिए हम धीरे धीरे एक उडन स्टिक में इसे रोटेट कर रहे हैं। तो हमें इसी तरह लगातार इसे चलाते रहना है। आप देखना धीरे धीरे इसमें किस तरह कलर आने लगेगी। इसी तरह से इसे रोटेट करने से होता यह है कि ये चारों तरफ से कुक होते रहता है।
मैं इन्हें और थोड़े देर फ्राई करूंगी। देखिए अब आ गया ना परफेक्ट कलर, तो हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। अब हम करेंगे ये कि हमारा जो शुगर सिरप बन गया था उसे और एक बार हम गर्म कर लेंगे और ये फ्राई किया हुआ गुलाब जामुन को हम इसमें डाल देंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे और इसके फ्लेम को बंद करके हमें इसे ढककर कम से कम 2 घंटे के लिए रख देना है। देखिए मैंने यहाँ पे स्विच ऑफ करके बस इसे मैं 2 घंटे के लिए ढक करके रख दूंगी। मिलते हैं 2 घंटे के बाद। वाह क्या बढ़िया गुलाब जामुन बना है। देखिए दोस्तों ये दिखने में कितना रसेदार है ना, ये बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही आसानी से भी बन गया। आपने ये रेसिपी देखा, देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है, ये बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि ये हमने आटे से बनाया है। आप ये रेसिपी ज़रूर घर पर ट्राई करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स को खिलाएं और अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।